नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का प्रदर्शन अब राजनीति का खाना बनता जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहलवान बजरंग पुनिया के सोनीपत स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग पुनिया के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अभय चौटाला ने बजरंग पुनिया के परिजनों को आश्वासन दिया कि इनेलो पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी है। वहीं बजरंग पुनिया के परिवार वालों से मिलने के बाद अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। अभय चौटाला ने कहा कि दोनों में से कोई भी पार्टी खिलाड़ी हितेशी नहीं है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ धरने पर बैठकर फोटो खिंचवाने से कोई भी खिलाड़ी हितेशी नहीं होता। विधानसभा में हुड्डा ने खिलाड़ियों के पक्ष में कोई बात नहीं की, वो वर्कआउट कर विधानसभा से बाहर निकल गए थे। जबकि बीजेपी पर हमला करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद है, इसलिए सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। हरियाणा में भी इसी तरह खेल मंत्री को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बचाया था। अभय चौटाला ने खिलाड़ियों के लिए कई वादे करके इनेलो को खिलाड़ी हितेशी पार्टी बताने की कोशिश की। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने के बाद खेल कोटे से खिलाड़ियों को नौकरी देना दोबारा से शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।